हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे, एक बार कमेंट कर देना। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करण दूसरे ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट था और यूट्यूब पर सर्च भी किया जाता है कि 4000 का वॉच टाइम कम्प्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है नए यूट्यूबर के लिए। ठीक है, हमारे ऐसे यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, 4000 वॉच टाइम कम्प्लीट करना, इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस आप लोग को बताया है। बस थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल आप लोग को करना पड़ेगा। जो भी मैंने इसमें तरीका बताया आप लोगों को, उस तरीके से आप लोग अपने चैनल पर 4000 का वॉच टाइम कम समय में, अगर ज़्यादा परेशान हो गए, थक चुके हैं यूट्यूब पर काम करते करते, उसके बावजूद भी आपका 4000 का वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे कम्प्लीट करना है। सपोज करो मैं सब्सक्रिप्शन में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, इन चैनलों में से एक चैनल ऐसा है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सपोज़ करो इस चैनल का मैं नाम अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली लोड ले रहा है, यहाँ पर मैं एक चैनल का नाम यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, सिंपली सर्च करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है भक्ति, भक्ति करके मैं लिखूँगा यहाँ पर। सिंपली उस चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिंपली से ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट होगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या नाम है इनके चैनल का, सरिता। ठीक है, सरिता भक्ति भजन, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। और ये लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, ये कल की वीडियो है, कल ये लाइव आई थी और उसमें कितना ज़्यादा इनको वॉच टाइम मिला भी मैं आप लोग को दिखाता भी हूँ। इनका चैनल मैंने ओपन किया, ठीक है, जैसे मैंने ओपन किया आप देख रहे हो ये लाइव आई थी, 2 घंटे 48 मिनट की वीडियो, आप देख पा रहे हो 36 के व्यूज़ है इस पर। स्ट्रीमिंग इनने 1 वीक 1 डे पहले करी, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पे बात जो तरीका है बता रहा हूँ मैं आप लोग को कि वॉच टाइम कैसे आप लोग का पूरा हो, वो तरीका आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो पहला तरीका मैं आप लोग को बताऊँ, जैसे मैंने इस वीडियो पर क्लिक किया, आप देख रहे हो थोड़ा सा मैंने प्ले किया, ठीक है, मैं पूरा तो प्ले नहीं कर सकता, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इनके में ऐड आ रहा है, ठीक है, मतलब कि चैनल इनका मोनेटाइज हो गया है। अब मैं आप लोग को बताऊँ कि ये तरीका इस्तेमाल क्या करते हैं, क्या चीज़ ये करते हैं जिसकी वजह से इनका चैनल पे अच्छे खासे बूस्ट मिलता है और स्ट्रीमिंग में इनके ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कितना दिखा रहा है व्यूज़, व्यूज़ देखने की बात करी जाए 36 के व्यूज़ है, यानी कि 36,000 व्यूज़ एक दिन में ही। आप समझ सकते हो ये कब वीडियो अपलोड हुई है, आप देख लो 20 नवंबर को ये वीडियो अपलोड हुई है। अब मैं आप लोग को लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, ये देखिए इनका टाइटल, आप समझिए पहले ये टाइटल क्या डाला इन्होंने, कुंडली भाग्य फुल एपिसोड न्यू प्रोमो और 21 नवंबर कमिंग सून, इस तरीके से जो इन्होंने टाइटल डाला। अब इसके जितने भी ऑडियंस थी, ठीक है, जो भी ऑडियंस यूट्यूब पर सर्च करते हैं, अभी मैं एल्गोरिथम भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि यूट्यूब पर कैसे सर्च होता है, ठीक है, वो मेरा यूट्यूब सर्च टर्म्स में आया था, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। मैंने भी एक लाइव की थी तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम मिला था और सब्सक्राइबर भी मिले थे, ठीक है। तो अब ले मैं आप लोग को बता दूँ क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग को टाइटल चेंज करना है, ठीक है, टाइटल लिखना है ये इस तरीके का। अब ये टाइटल आप लोग को कहाँ से लेना पड़ेगा, टाइटल आपको सेम टू सेम नहीं कॉपी करना है, जैसे सपोज करो कोई भी नया सीरियल आने को है तो उसका बेसिकली उसका प्रीमियम लेना पड़ता है कई लोगों को, तो प्रीमियम ना लेने की वजह से बहुत से लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं ताकि ये चीज़ यूट्यूब पे प्रोवाइड हो सके, यानी कि मिल सके उनको। तो आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना नहीं हुआ, ठीक है, ये बात है, आपको ऑडियंस के प्रति वॉच टाइम काउंट करना, ठीक है, वॉच टाइम जब उनसे काउंट करेंगे, वॉच टाइम उनसे बढ़ेगा आपका, तब जाके आपका चैनल बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये आप समझ लेना इनकी वीडियो में जब प्ले करना, आप फुल प्ले करके इनमें समझ लेना इन्होंने 2 घंटे 2.5 घंटे बात क्या करी है इस वीडियो में, ठीक है, आप लोग समझ लेना। अब मैं आपको चैनल का नाम तो मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, अब एक मैं लाइव पूरा आप लोग को और दिखाता हूँ, माया लाइफ करके एक चैनल है, मैं आपको उनका भी चैनल दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ सब्सक्रिप्शन में मेरे आ नहीं रहा है, अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे से लिखा रहा होगा सिंपली, अभी यहाँ पर दिखाएगा, जो भी मेरे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं अभी और दिखाऊंगा आप लोगों को, जो भी इन्होंने लाइव प्रूफ में दिखाता रहता हूं आप लोगों को, अभी मैं यूट्यूब सर्च टर्म्स भी दिखाऊंगा कि कितने लोग किस चैट किस नाम से सर्च करते हैं, तो वो टैग आप लोग यूज़ करके और अपने चैनल पे बूस्ट ले सकते हो, ठीक है। अब माया लाइफ स्टाइल, ये देखिए ये चैनल है जिसकी वजह से ये मतलब कि अच्छा खासा वॉच टाइम लेती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जाता हूँ पॉपुलर वीडियो में, जाता हूँ मोस्ट पॉपुलर में, अब मोस्ट पॉपुलर में आप देख पाओगे 5,571 के व्यूज़ हैं, ठीक है, 571 के व्यूज़ हैं, आप समझ सकते हो 8 महीने पहले उन्होंने वॉच टाइम काउंट किया था। अब मैं आपको बताऊं ये क्या चीज़ इन्होंने किया था जिसकी वजह से इससे ज़्यादा व्यूज़ है और इनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया। ये लाइव में आकर के बस केवल ये बताते हैं
कि हेलो फ्रेंड्स बातचीत होती है, जो भी मतलब कि आपस में डिस्कशन होता है, ठीक है। और जितने लोग भी इनसे जुड़ते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये बताती हैं, जो भी इन्होंने मूवी का टाइटल डाल रखा था, ठीक है, ये जय माता दी जो लिख दिया, ये बाद में इन्होंने लिखा है, उससे पहले इन्होंने एक मूवी डाली थी, आप देख सकते हो, चांदनी चौक टू चाइना, फुल मूवी इन्होंने टाइटल लिखा था और उसका एक पोस्टर लगा दिया था, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, थर्ड नंबर पर आ रहा है मुझसे दोस्ती करोगे, ये इन्होंने नाम लिख दिया, और इसके बाद इन्होंने पोस्टर भी अपना लगा दिया है, उससे पहले लगा था, इस फिल्म का लगा था, ठीक है। 97 के व्यूज़ हैं, आप समझ सकते हो, 20K भी अगर व्यूज़ आ गए आपके आपके लाइव स्ट्रीमिंग में, तो आप समझ सकते हो कि 2 लाख, 2 लाख मतलब कि मिनट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, ये देखिए अपलोड्स में आप देखोगे इनके कम व्यूज़ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चैनल मोनिटाइज हो गया, बस ये तरीका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और आप लोग भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा और जेन्युइन वॉच टाइम होगा, ठीक है। कोई भी यूट्यूब टर्म्स गलत नहीं लगेगी किसी को, ना ही कोई स्ट्राइक दे सकता है आपके चैनल पर, बस आप लोग कोई भी मतलब कि कॉपी कंटेंट मत कीजिएगा, ठीक है। कॉपी का मतलब यह है टाइटल फुल मत कॉपी कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी टाइटल कैसे आया या कोई भी लाइव कैसे आया है, आप देखना चाहते हो कि कोई भी सीरियल है तो वो मतलब कि कब आएगा, किस टाइम आएगा, तो जिस टाइम आप लाइव आओ, ठीक है, उस टाइम लाइव आने के बाद आपको उसी टाइम कुंडली भाग्य जितने भी एपिसोड हैं जो लोग भी देखना पसंद करते हैं, तो उसको आप लोग टाइटल लिखो और उसका एक नया एपिसोड का जो थंबनेल बनाओ अच्छे से, ठीक है। थंबनेल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, बेसिकली आप लोग चाहते हो, यहाँ पे देखो मैं एक नाम लिखता हूँ कुंडली, ठीक है। जैसे कुंडली मैंने लिखा, कुंडली भाग्य सिंपली करके लिखना है और आज का एपिसोड लिखना है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ढेर सारे आप लोग को पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, जो भी पोस्टर आपको जेन्युइन लगे, आज का पोस्टर लगे, तो सिंपली वहाँ के आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको थंबनेल भी बता दे रहा हूँ कैसे थंबनेल बनाना है, ठीक है। तो थंबनेल की आप लोग को बेसिकली करना क्या पड़ेगा, आपको पिक्सल लैब ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप पिक्सल लैब ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे पता ही होगा थंबनेल कैसे बनाया जाता है, तो थंबनेल बहुत से लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पर 3 डॉट पर जाएंगे, इमेज साइजेस में जाएंगे और यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी आपने स्क्रीनशॉट अभी लिया है, ठीक है, जो भी आपने स्क्रीनशॉट अभी लिया, जिसका भी एपिसोड डालना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रीनशॉट को लेना है, ठीक है। लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है, आपको 16:9 के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरीके से साइज ले आना है, ठीक है। इसको लाने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना। अब ये देखिए पोस्टर बन चुका है और यहाँ थोड़ा सा आप जूम कर सकते हो, ठीक है, और थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा करके इसको आप ऐसे करके सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव एज इमेजेस पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। आपकी गैलरी में ये आपका पोस्टर बन चुका है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि इस तरीके से थंबनेल बना लो किसी भी एपिसोड के, और इस तरीके से आप बहुत टाइम काफ़ी अच्छे तरीके से गेन कर सकते हो। एक तरीका मैं और बता दूं आप लोगों को कि किस तरीके से लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको वाइट स्टूडियो में जाता हूँ, मेरे चैनल पर ही जो बूस्ट मिला है वही मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे सिंपली ये जितने अपलोड्स हैं सारे अपलोड्स दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं लाइव में जाता हूँ, लाइव वाली वीडियो जो है वायरल हुई थी, तो उस वीडियो को मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा, और यूट्यूब सर्च में क्या क्या चीज़ आई थी, ठीक है। अभी रुको, बस 2 मिनटों को अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये जो मैं लाइव आया था नाइट में और मैंने इससे कुछ अर्निंग भी करी थी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ यूट्यूब सर्च टर्म्स में क्या चीज़ आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिस्कवरी में जाना है, डिस्कवरी में जाने के बाद आपको इंप्रेशन में जाना है। सिंपली इंप्रेशन में गैस के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो ये देखिए यूट्यूब सर्च टर्म्स दिखा रहा है, ये देखिए कुंडली भाग्य कर क्या, कुंडली भाग्य आज का एपिसोड, ये 80% जो सर्च हुआ है ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये जो टैग है इसी टैग से हमारी वीडियो रैंक करती है। यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि ये टैग कौन से आपके वीडियो में रैंक कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से लोग सर्च करते हैं, जिसके बावजूद हम लोग जब लाइव आते हैं तो वो हम लोग का सजेस्ट में आता है, तो लोग उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने पोस्टर बदल दिया, क्योंकि उस समय मैंने पोस्टर कुंडली भाग्य का लगाया था, ठीक है। अब मैं आप लोग को दूसरा लाइव दिखाता हूँ जो वायरल हुआ था। सिंपली शॉर्ट बाय पे क्लिक करा मैंने और मोस्ट व्यूड पे जाता हूँ, मोस्ट व्यू पे गया, उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10971 व्यूज है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सिंपली इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो व्यू मोर के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, सिंपली करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिस्कवरी ऑप्शन में गया मैं, सिंपली डिस्कवरी ऑप्शन में जाना है, स्क्रॉल डाउन नीचे के लिए आना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखा रहा है, बिग बॉस लाइव टूडे एपिसोड, ठीक है। इस टाइटल की वजह से ये मेरी वीडियो जो थी वायरल हुई थी, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब सर्च टर्म्स जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हम लोग की वीडियो को वायरल करने में, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ज़रूर पता करा करें कि
कैसे सर्च में आ रहा है, क्या बात है, या कौन सा टॉपिक है, या कौन सा कीवर्ड है जो सर्च में लेके आ रहा है मेरी वीडियो को, ठीक है। तो यही चीज़ थी, मैंने आप लोग को बता दी। अब बस आप लोग क्या करना है, आप लोग को लाइव आना है। लाइव आने का मकसद आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरीके से लाइव आना है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग की वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। कोई बात आपको समझ में नहीं तो आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। You made a monster.